हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पैनल, और ये वीडियो जो है वो फुल हिंदी में बनने जा रहा है। हिंदी में आपको याद रखना होगा, अब जो वीडियो बनेगा वो सब हिंदी में बनेगा। तो मैं अभी बांग्लादेश में हूँ, और बांग्लादेश में हमारा एक स्टूडेंट एक पैनल बनाना चाहता है। तो मैं उसको बोला कि ठीक है, आप पैनल बनाओ। पैनल कैसे बनता है आप थोड़ा फार्मूला भी जान लो। ये आप देख रहे हो कि सिंगल कफ, इस पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी तोड़ मरोड़ के। वीडियो जो मिलेगी तोड़ मरोड़ के, इसी को कोई सीखे भी, ये दो काटो, ये शॉर्ट सराने का, ये शॉर्ट किलर, ये SM जो IC है इसके लिए, ये एक ट्रैक काटो, ये बहुत तरह का आपको इसको तोड़ मरोड़ का वीडियो मिलेगा। मैं तोड़ मरोड़ का वीडियो पेश नहीं करना चाहता हूँ। ये पैनल जब हम चला रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये पैनल को नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो काम हमारा स्टूडेंट करेंगे। तो मैं पहले इस टीवी को आप ऑन करो, टीवी को ऑन करो, टीवी को ऑन हुआ। अच्छा, ऑन होने के बाद यहाँ पर हमारा बैक लाइट जला है, और इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है जो कि हमारी ये DC to DC IC प्रोटेक्शन में चली जाती है, क्योंकि CKB लाइन इसकी जो है वो शॉर्ट हो जाती है। CKB लाइन कैसे बना हुआ रहता है, कैसे शॉर्ट होता है, वो हम आपको ट्रेनिंग में फुल डिटेल्स देंगे। उसको शॉर्ट किलर से बनाने में चलता है कि नहीं चलता है, पैनल का बॉन्डिंग मशीन से क्या सवाल है, क्या होता है। ये CKB लाइन लोगों ने की बहुत सा यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तोड़ मरोड़ के फेस होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत फेक वीडियो होता है, बहुत अच्छा होता है। वो तो आप लोग मतलब डिसाइड करोगे कौन फेक है कौन ओरिजिनल है। यहाँ पर इस पैनल को ऊपर रखते हुए हमारा लेफ्ट राइट होता है, तो पहले हम लोग राइट का चांस देते हैं, ये आपको मालूम है। तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको काटते हैं, यहाँ और यहाँ। इससे क्या होता है कि इसमें जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। मैं फार्मूला बताने के लिए कोशिश करूंगा आपको। इससे पहले अगर आपको हमारा ट्रेनिंग लेना है तो मुंबई में ये ट्रेनिंग अगले महीने 9/10/2022 से 12/10/2022 को स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग एट मुंबई। आप अगर सीट बुक करना चाहते हैं तो कुछ सीट खाली है, आप उस नंबर पे जाकर 8828610128 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा लें। बांग्लादेश में जो ट्रेनिंग होगा, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होने वाला है वो हमारा बांग्लादेश में होगा मागुरा। ये मागुरा का ट्रेनिंग नवंबर महीने में होगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, सीट बुक करना है, तो 01-791-26-2021 पर कॉल करके हमारा सीट बुक कर सकते हैं। अभी हमारा ट्रेनिंग जो है वो रंगपुर में हो रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम CKB लाइन काटेंगे कहाँ, यहाँ कि यहाँ। नहीं, हम यहाँ नहीं काटेंगे, हम CKB लाइन काटेंगे ये पीछे में, ये पीछे में हम ट्रैक काटेंगे। क्योंकि यहाँ जो अगर हम काटें तो यहाँ पर हमको जोड़ना बहुत आसान होगा। यहाँ पर हमारी पैनल जो रहती है, पैनल में कॉफ IC और PCB की डिस्टेंस बहुत काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर हमको जोड़ना मुश्किल लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा CKB लाइन की ट्रैक है, ये जो हमारा CKB लाइन की ट्रैक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमारा जो काटते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कहाँ से काटूँ कैसे काटूँ, तो मैं इस पर वीडियो बहुत बना चुका हूँ, फिर भी मैं फार्मूला देता हूँ। मैं वो फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो चलने वाला है वो। बाकी मैं तो ट्रेनिंग में आपको डिटेल्स दूंगा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं CKB लाइन शॉर्ट किलर से हटाने के लिए, तो देखिए ये जो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड को हटाकर हमको ये सब ट्रैक जो है वो काटना पड़ता है। हालांकि कोई बोलता है एक काटो, कोई दो, तो कोई तीन, कोई चार, कम से कम इसमें आपको CKB लाइन में कम से कम 5 ट्रैक काटनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर चार मतलब ऑड इवेंट, ऑड और इवेंट। मैं अपने ट्रेनिंग में ऑड इवेंट बताता हूँ,
कितने स्टूडेंट लोग को भी बताया हूँ ठीक यही फार्मूला करके, बाकी यूट्यूब पर चैनल मिलता है जो देखते हैं तो फार्मूला जानते हैं तो वो पैनल बन जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, काटना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक बार यहाँ पर काट के देख ले, किस साइड, राइट साइड, कहाँ, पीछे से। तो ये चार लाइन जो है वो काटने के लिए तैयार है हमारा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि ये कैसे घस रहा है, तो ये चार ट्रिक कट रहा है। जो जैसे काट सकता है, वो अपना अपना एक हुनर होता है, जो भगवान है ना, ईश्वर जो गॉड है, वो अपना एक हुनर दिए रहते हैं, उस हुनर का आपको अपने काम में लगाना होगा। जैसे वो अपने इस चार ट्रिक को उसने काटा, किसने काटा, ये स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट ने वो चार ट्रिक को काटा। चार ट्रिक कट गया, कट गया, अच्छा ठीक है कट गया। तो अब इसको लाइन दे दो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसने उस ट्रैक को काटा और काटने के बाद उसने ये पैनल जो है हमारी ठीक हो गई, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये पैनल हमारी जो है ठीक हो गई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ काटा है कि नहीं काटा है, छेड़छाड़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो गंदगी पैदा होता है, जो कि बॉन्डिंग, कभी बॉन्डिंग इशू भी आ जाए तो हमको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको कोई हो सकता है नहीं बताएगा, उसने बता दिया यहाँ काट लो, यहाँ काट लो, आप काट दिए, काट के इसको बर्बाद कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ तो इसने काटा ही नहीं, यहाँ पर एकदम फ्रेश है। और यहाँ पर हमारी जो पैनल है, वो हमारी पैनल जो है वो अभी एकदम बिल्कुल सही हो गई। और तब वो काटा किधर, तो देखिए जहाँ काटा है वो काटा है इस साइड में। तो यहाँ जो दिख, यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ इसने इसको कट कर दिया है। कितनी लाइन, यहाँ पर चार नहीं, यहाँ एक साथ आप इस पूरी ट्रैक को भी काट सकते हैं। आप पूरी ट्रैक को ही काटना हमको लग रहा है कि सही होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो देखते हैं ऐसे कर देते हैं, नहीं हुआ हुआ, इस पे आप मत जाइए दोस्तों। आप अपना दिमाग लगाइए कि आपको ट्रेनिंग कहाँ लेना है, या खाली पैनल 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 में क्या है। आखिर आप जो पैनल के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, आखिर पैनल में है क्या। आप ऐसा ना हो जाए कि आप कोई शिकार बन जाए, इसीलिए आप सिर्फ पैनल के पीछे मत दौड़िए। आपको ट्रेनिंग लेना है स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग, इसमें क्या सिखाया जाएगा, या बांग्लादेश हो, या कलकत्ता हो, या मुंबई हो, कहीं पर भी हो, स्मार्ट टीवी की फुल नॉलेज, पैनल और बॉन्डिंग, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो आप देर ना करें, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, कुछ आपको फार्मूला जानना है, ट्रिक जानना है, रास्ता जानना है, जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंडिया के लिए मुंबई और बांग्लादेश में जो अगला ट्रेनिंग होगा वो होगा हमारा मागुरा में, मागुरा बांग्लादेश। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।